Good morning, guys. Myself, Professor Ganesh Patil, proprietor at Success Academy, Dongripada, Porbandar Road, Thane. जैसे कि मैंने अब तक इस लेसन के कई सारे वीडियो अपलोड किए, एक और लेक्चर आपके लिए फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. अगेन आई रिपीट, हम लोगों ने यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट देखा था. यूटिलिटी इज कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स. हर क्वेश्चन जहां पे भी आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है, ये डिफाइन दो, इसके बाद क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो. सो स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी. एंड दैट फर्स्ट पॉइंट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट. रिलेटिव मीन्स वॉट? यूटिलिटी इज रिलेटेड टू प्लेस एंड टाइम. यूटिलिटी जो है प्लेस और टाइम से रिलेटेड है. कैसे? जैसे मैं देखो ना, यूटिलिटी हम लोग प्लेस प्लेस की बात करें तो प्लेस टू प्लेस डिफर्स है, टाइम टू टाइम भी डिफर्स है. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग प्लेस टू प्लेस की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग जैसे कपड़े हो गए, वूलन क्लोथ्स, जिनका मैक्सिमम यूज शिमला में किया जाता है एज कंपेयर टू मुंबई. ये हो गया प्लेस टू प्लेस. देन टाइम टू टाइम क्या? फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम. आइसक्रीम का यूज हम लोग टाइम की बात कर रहे हैं तो आइसक्रीम का एग्जाम्पल दे रहे हो. टाइम आइसक्रीम का यूज हम लोग कभी करें ज्यादातर, स्पेशली समर सीजन एज कंपेयर टू विंटर. इसलिए यहाँ पे बोला है रिलेटिव. रिलेटिव मीन्स वॉट? रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस. तो इसलिए मैंने दो एग्जाम्पल बताया, एक टाइम का और एक प्लेस का. प्लेस के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वुडन क्लोथ, जो कंपेयर कर रहे हैं शिमला और मुंबई, वहां पे यूज ज्यादा है एज कंपेयर टू मुंबई. सेकेंड एग्जाम्पल मैंने दिया आइसक्रीम का. आइसक्रीम का यूज मैक्सिमम पे हम लोग समर सीजन में करते हैं एज कंपेयर टू विंटर. सो सेकेंड पॉइंट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. देखिए रिलेटिव में हम लोग को याद रखना है प्लेस टाइम, सब्जेक्टिव में याद रखना है पर्सन. पर्सन टू पर्सन डिफर्स करता है. फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्टिकुलर पर्सन जो सिगरेट स्मोकर है, उसको सिगरेट पीने की आदत है, तो ऑब्वियसली जिसको सिगरेट पीने की आदत है उसको सिगरेट स्मोक करने से यूटिलिटी ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर जिसको सिगरेट स्मोक करने की आदत नहीं है. तो ये हो गया पर्सन टू पर्सन डिफर करता है. थर्ड पॉइंट इज एथिकली न्यूट्रल. हम लोग देखिए तो यूटिलिटी जो है एथिकली न्यूट्रल है, जिसको कोई भी शेप साइज कलर कुछ नहीं, ना टेस्ट. इट इज सोशली, और हम जैसे बोलते हैं मोरल और इमोरल, डिजायरेबल अनडिजायरेबल, इसको कोई ऐसी शेप साइज कलर नहीं. नॉर्मल यूटिलिटी हम लोग ऐसा दिखता नहीं कि यूटिलिटी हाँ मिल गया, कोई दिखता नहीं. नो शेप, नो साइज, नो कलर, जस्ट एक हम लोग का एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. देन फोर्थ वन इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस. हम लोग यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों को कंपेयर करें तो बोथ आर डिफरेंट, बिकॉज यूटिलिटी इज कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी जो ह्यूमन वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करना है. और यूजफुलनेस और यूजफुलनेस का मतलब क्या? हम लोग को कमोडिटी हम लोग जब कंज्यूम कर लेंगे तो उससे होने वाला यूज, हम लोग को क्या यूज हुआ है, ये हम लोग यूजफुलनेस में देखते हैं. एग्जाम्पल मिल्क की बात करते हैं. मिल्क हम लोग को यूटिलिटी भी दे रहा है और यूजफुलनेस भी है. बट उसी के अपोजिट साइड में हम लोग देखे तो लीकर. लीकर जिसको पीने की आदत है यूटिलिटी मिलेगा पर उसका यूज नहीं है, बिकॉज ये हार्मफुल. इसलिए मैंने दो एग्जाम्पल बोले जो यूजफुल और यूटिलिटी दोनों बता रहे हैं. और एक जो है लीकर, वो सिर्फ यूटिलिटी मिल रहा है जिसको आदत है, बट इससे आपको कोई भी यूज नहीं. द नेक्स्ट वन इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर. प्लेजर मीन्स हैप्पीनेस, खुशी. फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यूटिलिटी ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर, बिकॉज यूटिलिटी एक वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर है और प्लेजर मीन्स हैप्पीनेस. कई बार हम, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बीमार पड़े, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर हमको मेडिसिन देता है, इंजेक्शन लगाता है, इंजेक्शन लिया, हम लोग को यूटिलिटी मिला क्योंकि हम लोग की जो बीमारी है वो रिकवर हो जाएगी. बट हम लोग को प्लेजर मिला, प्लेजर हुआ क्या, प्लेजर मिला क्या, खुशी हुई क्या, डॉक्टर को बोलते लगा और दो चार इंजेक्शन, नहीं. इसलिए यूटिलिटी एंड प्लेजर बोथ आर डिफरेंट. नेक्स्ट वन इज यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फैक्शन. यूटिलिटी इज ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, बिकॉज यूटिलिटी जो कैपेसिटी है कमोडिटी की जो सेटिस्फाई करती है. बट सेटिस्फैक्शन कभी मिलेगा एक्चुअली आफ्टर कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी. कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद मालूम पड़ेगा वो कमोडिटी से हम लोग को सेटिस्फैक्शन मिला या नहीं. फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसे कॉलेज स्टूडेंट,
सब फ्रेंड्स लोग मिलके भूख लग रही है सामने, सपोज एग्जाम्पल वड़ा पाव या पानीपुरी वाला कोई है वहां पे खाने गए, हम लोग की जो विश थी कि पानीपुरी खाना है, पैसा दिया पानीपुरी खरीदे, यूटिलिटी पूरा हो गया, सेटिस्फेक्शन कभी मालूम पड़ेगा आफ्टर कंजम्पशन कि हम लोग को पानीपुरी अच्छी लगी, हमने दिया हुआ पैसे का वर्थ हुआ या नहीं। यदि हम लोगों ने पैसा दिया पानीपुरी एकदम बकवास बना है तो ऑब्वियसली नो सेटिस्फेक्शन, पानीपुरी बहुत अच्छा होगा तो हम लोग को उसका सेटिस्फेक्शन मिलेगा, इसलिए बहुत सारा डिफरेंट। नेक्स्ट वन इज मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी हाइपोथेटिकल, जैसे देखा जाए तो इन शॉर्ट जिसको हम बोलते कार्डिनल मेजरमेंट, यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है, जस्ट एक कॉन्सेप्ट है। हम लोग सोचते हैं कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल लास्ट लेक्चर में दिया था कि हम लोग नंबर ऑफ गुलाब जामुन कंज्यूम कर रहे हैं कि पहला गुलाब जामुन खाया, दूसरा गुलाब जामुन खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया, हम लोग ऐसे दिख रहा है कि पहला गुलाब जामुन पेट में गया और हम लोग को 20 यूटिलिटी मिला, दूसरा गया 10 मिला, तीसरा गया 5 मिला, दिखता नहीं है ये, जस्ट एक हम इसको नंबर में मेजर नहीं कर सकते बट एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो हम लोग को प्रूव करने के लिए शो करना। नेक्स्ट वन इज यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज। मल्टीपर्पज मतलब क्या, यूटिलिटी आपकी कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी जिसका यूज मल्टी यूज पर्पज के लिए किया जाए, इसका बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग यूज कर इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम लोग कई सारे पर्पज के लिए करते हैं और हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी मिले, वो भी कैसे मल्टी यूज। नेक्स्ट वन इज यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट, इंटेंसिटी मीन्स अर्जेंसी, हम लोग को पर्टिकुलर कमोडिटी कितनी अर्जेंट है, फॉर एग्जाम्पल मोर अर्जेंट वॉन्ट मोर यूटिलिटी, लेस अर्जेंट वॉन्ट लेस यूटिलिटी, जितना ज्यादा हम लोग को अर्जेंट होगा उतना यूटिलिटी ज्यादा मिलेगा, जितना कम अर्जेंट होगा उतना यूटिलिटी कम मिलेगा। लास्ट वन इज यूटिलिटी इज बेसिस ऑफ डिमांड, यूटिलिटी जो है ये कंप्लीटली डिमांड पे बेस करता है, ऑब्वियसली डिमांड होगा आपकी कमोडिटी को तो ये आप लोग उसको खरीदेंगे, आप लोग को लग रहा है कि वो खरीदने ही नहीं है तो हम लोग को यूटिलिटी से लेना देना ही नहीं है वहां पे, बिकॉज हम लोग की विश है कि हम लोग को कमोडिटी खरीदनी है, डिमांड करनी है तो यूटिलिटी मालूम पड़ेगा, इसलिए डिमांड से रिलेटेड है। जिसका शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूँ, पहला था रिलेटिव कॉन्सेप्ट मीन्स रिलेटेड टू प्लेस एंड टाइम, एग्जाम्पल मैंने दिया था वुलन क्लोथ्स कश्मीर या सॉरी शिमला या मुंबई, सेकेंड एग्जाम्पल जो था आइसक्रीम जो टाइम से रिलेटेड था समर और विंटर। सेकेंड पॉइंट सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जिसमें एग्जाम्पल दिया था सिगरेट स्मोकर वाले का, उसको यूटिलिटी मिल रहा है ऑब्वियसली कंपेयर टू नॉन स्मोकर। थर्ड था एथिकली न्यूट्रल, ये सोशली डिजायरेबल अनडिजायरेबल, इसको कोई भी कलर शेप साइज टेस्ट कुछ होता नहीं। डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस बोथ आर डिफरेंट है, यूज मिल रहा है और यूटिलिटी जो सेटिस्फाइंग पावर है डिफरेंट डिफरेंट। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, यूटिलिटी अलग है और उससे मिलने वाला प्लेजर यानी हैप्पीनेस डिफरेंट। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम सेटिस्फेक्शन, यूटिलिटी तो मिल जाएगा पर सेटिस्फेक्शन आपको आफ्टर कंजम्पशन रियलाइज होगा। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इन हाइपोथेटिकल, मतलब कमोडिटी को नंबर्स में मेजर कर पाना ये पॉसिबल नहीं, एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, यूटिलिटी का यूज कैसे हम लोग कर रहे हैं, मल्टी यूज कमोडिटी, जैसे मैंने एग्जाम्पल बोला इलेक्ट्रिसिटी। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट, यूटिलिटी कंप्लीटली अर्जेंसी पे डिपेंड करती है, ज्यादा अर्जेंट होगा ज्यादा यूटिलिटी, लेस अर्जेंट लेस यूटिलिटी। यूटिलिटी इज बेसिस ऑफ डिमांड, यूटिलिटी कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपका डिमांड कैसा, डिमांड होगा तो ही आपको यूटिलिटी मिलेगा अदरवाइज नो यूटिलिटी। सो गाइस ये आपका क्वेश्चन फीचर्स ऑफ यूटिलिटी सिंपल है, जहां पर मैंने आपको 10 पॉइंट दिए आप 7-8 पॉइंट्स मिनिमम इजीली उसको हाइलाइट करके याद रख सकते और अपने वर्ड्स में लिख सकते। जस्ट कॉन्सेप्ट याद रखो कि वर्ड हेड पॉइंट और उसके जो हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके अंदर का कंटेंट क्या है, उसका मेन पॉइंट उसको ध्यान में रखो और इजीली आप कर सकते। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर टूडे। वापस बता रहा हूँ, आपको यदि मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा तो ऑब्वियसली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और डाउट आ रहा है तो ऑब्वियसली मेरे व्हाट्सएप नंबर 9892946936 इस पर आपका नाम लिख के मैसेज करें। थैंक यू।